दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश और धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर माह के ये जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में 3 बड़े शुभ फल मिलेंगे आपके कर्मों के अनुसार। यूं कहें कि 3 बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी, आपके कर्मों के अनुसार आपको 3 शुभ फलों की प्राप्ति होगी भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा से 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर यानी कि इन 7 दिनों के अंदर। भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा इन 7 दिनों में आपकी राशि वालों पर पड़ चुकी है। रिद्धि सिद्धि योग, बुधत्य योग, गज केसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग, राजयोग, धन योग के साथ नौकरी योग है। दोस्तों ये जो 7 दिनों का समय है बड़ा अच्छा समय है। यूं कहें कि अब आपको 50 किलो मिठाई तक बांटनी पड़ जाएगी, घर घर मिठाई बांटते फिरोगे आप, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसी लाया हूं आपके लिए। इन 7 दिनों में 3 बड़े बड़े शुभ फल आपके कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों कौन कौन से 3 शुभ फल आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलेंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी, वीडियो में वही बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी आपके लिए, अंत तक वीडियो में पूरा बने रहे। जय दोस्तों, यदि इन 7 दिनों का लाभ लेना है, समय का फायदा उठाना है, तो बीच बीच में से काटकर वीडियो नहीं देखनी। वीडियो का एक एक पार्ट, वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको खुशखबरियां तो बताएंगे किस प्रकार यह समय आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ ऐसी सावधानियां, कुछ ऐसी जरूरी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे जो कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं, आपको बड़ा लाभ पहुंचा सकती हैं, जिससे कि इस समय का अधिक लाभ आपको प्राप्त हो जाए। तो सारे काम छोड़कर अंत तक वीडियो को पहले पूरा देख ले। यूं कहें जो आज की इस वीडियो को पूरा देख लेगा वह खुशी से नाचने लगेगा, यूके उसको स्वयं महसूस हो जाएगा कि यह समय भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखें किस प्रकार भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा इन 7 दिनों में आपकी राशि वालों पर पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे शुरू करें वीडियो को, सबसे पहले तो लाइक करना भगवान गणेश माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे भगवान गणेश माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, आपके और आपके घर परिवार वालों के ऊपर, सभी के ऊपर भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा बरसे सदैव। तो चलिए दोस्तों समय को न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार भगवान गणेश माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपकी राशि वालों के लिए 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर यानी कि 7 दिनों का यह समय रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपकी राशि वालों के लिए 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर माह के जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों का समय धन प्राप्ति से भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत स्थिति में रहने वाली है, धन लाभ के अनेकों स्रोत आपको प्राप्त होने वाले हैं। जय दोस्तों यह समय आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके लिए राजयोग और गजकेसरी योग धन लक्ष्मी प्राप्ति योग है, तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। जो भी आपको धन प्राप्ति का अवसर मिले उसे हाथ से नहीं जाना देना है। और आपको बता दें कि इस समय जो भी ग्रहों में परिवर्तन होंगे आपके लिए लाभकारी रहेंगे, क्योंकि योग ही ऐसे बन चुके हैं। अब आपके लिए जो भी ऐसे कार्य थे जो बनते बनते बिगड़ जाते थे,
वे भी अब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से बनने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात आपके लिए जो यह समय रहेगा, नौकरी से संबंधित तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। नौकरी से संबंधित का मतलब, यदि आप नौकरी प्राप्ति की चाह रखते हैं, मन चाहे नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है इस समय में, परंतु आपको प्रयास अपना रखना होगा। आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो आपको उस इंटरव्यू के सकारात्मक परिणाम इस समय में प्राप्त होंगे। और ऐसे भी योग बनेंगे कि आपको नौकरी प्राप्ति के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। तो आप बस तैयार रहें समय का लाभ उठाने के लिए। और यदि आप पहले से ही नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, वेतन वृद्धि हो सकती है आपकी। और साथ ही साथ यदि स्थान परिवर्तन को लेकर कोई आप योजना बना रहे हैं तो आपका नौकरी से संबंधित जो स्थान परिवर्तन है, मनचाहे स्थान परिवर्तन भी हो जाएगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस समय में बिजनेस व्यापार में आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। बिजनेस आगे बढ़ेगा, चारों तरफ से लाभ मिलेगा आपको, बशर्ते आप अपने बिजनेस व्यापार में लगनशील रहें, पूर्ण रूप से समर्पित रहें। और एक सावधानी छोटी सी यह रखें कि अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं आप। जो भी आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं या जो करेंगे, कुछ ना बताएं, चुपचाप अपने कार्य के प्रति लगी रहें। सबके लिए नियम है। आपके पीछे होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपनी मन की बातें, दिल की बातें और लोगों को बता देते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बातों पर लोग गौर कर उस पर अमल कर लेते हैं। और आप अमल नहीं कर पाते तो आप पीछे रह जाते हैं और वो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आपके पीछे रहने का यह भी एक कारण है कि आपको गाना बजाना नहीं है, चुपचाप अपने कार्य के प्रति लग जाना है। फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल तो आपको शुभ ही प्राप्त होंगे, आपके हित में ही जाएंगे। इसके लिए आपको अपने मन में दृढ़ निश्चितता रखनी होगी। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपने कार्य के प्रति लगनशील रहें। और सबसे आपको बता दें एक बात कि यह समय आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत अच्छा समय साबित होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो कर दें, आपके पक्ष में ही जाएगा जो भी फैसला होगा। और अविवाहितों के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा, विवाह से संबंधित अच्छे प्रस्ताव उनके घर में आएंगे और एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव कर पाएंगे। वो मन चाहा प्रेम मिलेगा, यूं कहे तो प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी खुशनुमा वातावरण रहेगा। घर परिवार में यदि किसी प्रकार की कोई अनमन चल रही है, वह अनमन दूर होगी और पुनः प्रेम बढ़ेगा घर परिवार में। यदि सगे संबंधियों से कोई झगड़ा चल रहा है, अपने रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार का, तो ऐसे योग बनेंगे कि आपसे प्रेम बढ़ जाएगा और वह झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। आपस में मिलजुल कर रहेंगे सब लोग। और आपको बता दें कि जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं या किसी कारण से उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस समय में संतान प्राप्ति का सुख भी प्राप्त होने वाला है। उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। इतना अच्छा समय, किलकारियां गूंजेगी घर में, घर परिवार में आपको मिठाई बांटनी पड़ जाएगी। इतना अच्छा समय रहेगा, निराश ना हुआ। और साथ ही साथ आपको बता दें, संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ समाचार का मतलब कि जो आपकी संतान है कुछ ऐसा करेगी कि जिससे आपका नाम रोशन होगा। कुछ भी करे आपका नाम रोशन होगा। करियर से संबंधित संतान को अच्छा लाभ मिलेगा इस समय में। और जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वह सपना इस समय पूरा हो जाएगा। विदेश में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार से संबंधित भी समय आपके लिए शुभ मंगलकारी रहेगा। ग्रह नक्षत्रों में जो परिवर्तन होंगे आपके लिए एक अच्छे धन प्राप्ति का निर्माण करेंगे इस समय में। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं
उनको वाहन सुख की भी प्राप्ति होगी। नया मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान भी खरीद सकते हैं इस समय में, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में निवेश करना भी उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो प्रॉपर्टी संबंधित समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और आपको एक बात और बता दें कि आपको कामयाब होना है तो गलत संगति का साथ छोड़ देना। आप कामयाब का मतलब आपको अपने जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो गलत संगति का साथ छोड़ दें। गलत संगति में यदि कोई मदिरा पान करता है आपका दोस्त, मांस मछली अंडा इन सब चीजों का त्याग कर दें। कुछ समय के लिए तो कर देख लें आप। यदि कामयाब होना है कुछ समय के लिए गलत संगति का साथ छोड़ देंगे तो आपके लिए ऐसा करना लाइफ चेंजिंग साबित हो जाएगा। यूं कहीं कर देख ले, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय के लिए करके देख ले। यदि गलत संगति के साथ कुछ समय के लिए छोड़कर देखते हैं और आपको लाभ मिलता है तो फिर आपको गलत संगति में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमने कह दिया है वह पत्थर की लकीर साबित होगी आपके लिए। गलत संगति का साथ छोड़ दें आप अगर कामयाब होना है आपको अपने जीवन में। फिर देखना किस प्रकार निराशा के बादल आपके जीवन से हट जाते हैं और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा फिर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वाहन भी आपको सावधानी पूर्वक चलाना है इस समय, किसी भी प्रकार की आप दुर्घटना से बच सकते हैं। बिजली के उपकरणों से दूरी बनाकर रखें इस समय में, आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ बात अगर स्वास्थ्य की करें तो दोस्तों स्वास्थ्य के सितारे आपका भरपूर साथ दे रहे हैं इस समय में। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। यदि किसी कारण से आपको कोई बीमारी है या पिछले कुछ समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं